लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच गठबंधन नहीं हुआ। इसका खामियाजा दोनों को पश्चिम बंगाल में उठाना पड़ा और बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी। अब पुरानी बातों से सबक लेते हुए कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के साथ समझौता करना चाहती है। इस बारे में सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल के नेताओं को हरी झंडी दे दी है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और सोनिया गांधी के बीच हुई बैठक में गठबंधन की बातें हुई। सोनिया गांधी को बताया गया कि उपचुनाव में वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करने का फैसला पहले ही ले लिया गया है। सोनिया गांधी ने तुरंत इस बात पर अपनी मुहर लगा दी। अब वाम मोर्चा को तय करना है कि उसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले वाम मोर्चा ने कांग्रेस से बात तो की लेकिन उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि दशकों तक पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली वाम मोर्चा का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया। केरल में दोनों पार्टियों के बीच खटास तब बढ़ी थी जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गए थे। केरल में लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था। अब नए सिरे से कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच दोस्ती बढ़ी है। वजह आर्टिकल 370 है। इसी वजह से आजकल सीताराम येचुरी और डी राजा जैसे लेफ्ट के नेता राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।